वेरी गुड मॉर्निंग एंड सत श्री अकाल नमस्कार केम छो देखो उत्तरबंगे सबसे जनप्रिय यूट्यूब चैनल डिस्कवर सिलिगुड़ी संगे आछि तोमादेर होस्ट अनिरुद्ध और सत्यि की अबीट सीरीजेर आज हलो सेकेंड एपिसोड और सेकेंड एपिसोडे आज के आमरा आबार एकटा टूरिस्ट डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करते चलेछि। सो आज के भिडियोटा शुरू करछि गाजलडोबा थेके। गाजलडोबा हच्छे उत्तरबंगेर एकटा पपुलार टूरिस्ट स्पट। सो आज के एखान थेके आमरा भिडियो शुरू करछि और आज के आमरा चलेछि डुआर्सेर पथे। डुआर्से आमरा आज के एक्सप्लोर करते चलेछि सामसिंग और सुंतालीखोला दुटा हैंगिंग ब्रिज आछे। सो आजकेर आमादेर गंतव्यस्थल हलो रॉकी आइलैंड सामसिंग हैंगिंग ब्रिज और सुंतालीखोला हैंगिंग ब्रिज। सो भिडियोटी देखते थाको और चैनेले जारा नतुन चैनलटिके अवश्य सबस्क्राइब करते पारो। सो गत सप्ताहे गतবার एकटा एपिसोड आपलोड होयेछिलो जेखाने आमरा गियेछिलाम कालिम्पोंगेर कोलाखाम एंड छांगे वाटारफल। सो तुम्हारे भिडियोते जे ओवरवेलमिंग रेसपन्स तुम्हारा प्रचुर रेसपन्स देखिएछो तार जोन्नो असंख्य धन्यवाद। और आज के आमरा चलेछि रॉकी आइलैंड। मेनलि आमादेर मेन दुटा जायगा होच्छे सामसिंगेर हैंगिंग ब्रिज और सुंतालीखोला हैंगिंग ब्रिज। सो आज के किभाबे जाबो और जायगाटा कि थाकार उपयोगी किना, कोनो होटेल बा होमस्टे आछे किना, खावार क्वालिटी केमन, भालो ना खराब। सो आज के तोमादेर संगे सब किछु डिटेल्से आलोचना करते चलेछि और रूटटा फिमेल राइडारदेर जोन्नो सेफ किना। सो भिडियोटी देखते थाको। सो आमरा एखन गाजलडोबाते दाड़ालाम एकटू फटोश्यूट करब और जारा आमादेर इन्स्टाग्रामे फलो करनी स्क्रिनेर मध्य आईडी आछे इन्स्टाग्रामे अवश्य फलो करते पारो सुंदर सुंदर फटोर जोन्नो। सो चलो आमरा आमादेर फटोश्यूटटा कमप्लीट करी तारपरे आमरा आबार जेते जेते तोमादेर संगे कथा होबे। सो बंधुरा शिलिगुड़ी थेके जोदि तोमरा सेवक रूटे ओदलाबाड़ी अब्दि जेते चाओ ताहले टोटाल 37 किलोमीटर लागबे और जोदि गाजलडोबा रूट दिए जेते चाओ ताहले रूटटा एकटू बेशी घोरा पड़बे और एकटू किलोमीटरटा बेशी पड़बे, ओई 46-47 किलोमीटर अब्दि लागबे। आमी भिडियो एडिटिंगेर समय स्क्रिने तोमादेर रूटटा देखिए देव। सो जेहेतु गत सप्ताहे आमरा सेवक रूट दिए गिएछिलाम तो भाबलाम केनना आजके एकटू आमेजटा पाल्टानो जाक, ताई आजके आमरा गाजलडोबा हये जाच्छि। सो तुम्हारा जो पहाड़ रूटे जो जाओ सेवक दिए जो पो और तुम्हारे जो मन है जो गाजलडोबार रूट दिए जाए एत सुंदर एक तीस्तार ऊपर बैरेज पा दूटा रूट ही खूब ही सुंदर। सो आज के रूटे एगिए पड़छी हमारे गंतव्यस्थल उद्देश्य। और हाँ, जस्ट गाजलडोबा ब्रिज क्रस करार पर प्रथम जो लेफ्ट टार्न आसेटाई तुम्हारा नेबे सेटाई देखते पाच्छो एखान के ओदलाबाड़ी 13 किलोमीटर और ये रास्ता सोजा चले जाच्छे लाटागुड़ी पथे। आज के सेदिके जाच्छी ना, आमरा फार्स्ट लेफ्ट टार्नटा नेब, लेफ्ट टार्न निये ओदलाबाड़ी दिखे एगिए पड़ब और आज के गंतव्यस्थल हलो सुंतालीखोला सामसिंग और रॉकी आइलैंड। सो चलो आज के आबार साथे तोमरा उत्तरबंग सफरे बेरिए पड़ो। और सो फार जदि तोमरा गाजलडोबाटाके स्किप करते चाओ ताहले तोमरा सेवक हये बागड़ाकोट हये ओदलाबाड़ी पथे जेते पारो, किन्तु जेहेतु गत सप्ताहे सेई रूटे गेछि ताई आमरा आज के गाजलडोबा हये एलाम, किन्तु रास्तार कंडिशन ना सो फार नट गुड। ओदलाबाड़ी अब्दि रास्ता डान दिके देखते पाच्छो रास्तार काज चलछे और बादिके एखोनो रास्ताटा किछुटा खानाखन्दे भरा। तो तोमरा जोदि गाजलडोबाटाके एनजय करते चाओ ताहले एई रूटे आसते पारो और जोदि मने हय गाजलडोबा स्किप करते चाओ ताहले तोमरा सेवक हये सोजा ओदलाबाड़ी बेरिये जेते पारो, दुटा रास्ताय गिये ओदलाबाड़ीतेई मिट करबे। सो भांगा रास्ता पार होवार पर देखते होबे एकटा तीन रास्तार मोड़ पड़बे, जे डान दिकेर रास्ताटा एटा चले जाच्छे क्रांति हये जलपाइगुड़ी, सेदिके जाबे ना, तोमरा लेफ्ट टार्न नेबे, बादिके जे रास्ताटा सोजा एटा गिये किन्तु ओदलाबाड़ीते मिट करबे। सो तोमरा अवश्यई लेफ्ट टार्न निते भुलबे ना। सो ओदलाबाड़ीर परे आसबे डामडिम और तुम्हारा जरा आगे एपिसोड देखेछो आमरा एई डामडिम जे चौमाथा सेखान थेके बादिक नियेछिलाम गोरुबाथान लाभार पथे। आज के आमरा सेई बादिक निच्छे ना, आज के आमरा चले जाच्छी सोजा रास्ता। एई जे डामडिम चौमाथा थेके सोजा रास्ताटा एटा सोजा चले जाबे मालबाजार चालसा हये मेटेलिर दिके। सो आज के आमरा सेदिके एगिए पड़ेछि। एई चौमाथाटाओ किन्तु मने राखबे। सो बंधुरा आमरा सोफार शिलिगुड़ी थेके प्राय 50 किलोमीटर चले एलाम। एबार आमरा ढुकलाम एटा होच्छे मालबाजार और किछुटा गिये सामने मालबाजार बजरंगबली मंदिर बा हनुमान मंदिर हाथे डान दिकेई पड़बे। और तोमरा जोदि उइकेंडे कोथाओ शर्ट ट्रिप करते चाओ फैमिली ट्रिप करते चाओ तोमरा अवश्यई मालबाजार हनुमान मंदिरे आसते पारो। आमी चेष्टा करब जे एरपरे एकटा डिटेल्ड भिडियो एई मालबाजार हनुमान मंदिरेर उपरेओ आनबो। और आमार डैशबोर्डे देखते पाচ্ছ लो फ्यूल इंडिकेट करছে सो কিছুটা গিয়েই বাঁহাতে একটা পেট্রোল পাম্প পড়বে। মালবাজারে অনেকগুলো পেট্রোল পাম্প আছে কিন্তু রাস্তার বাঁহাতে কিছুটা দূরে গিয়ে আমি দেখাবো সেই পেট্রোল পাম্পে। কি জানো তো পেট্রোল পাম্পের যিনি ওনার উনি না বিশাল শৌখিন মানুষ, এক একটা ভিন্টেজ কার ভিন্টেজ বাইকের ওনার যা কালেকশন। সো ভাবলাম যে আর কিছুটা যেহেতু এখনও মোটামুটি আরও 20-25 কিলোমিটার গাড়ি যাবে সো আমি বেসিক্যালি ওই পেট্রোল পাম্পের থেকে আজকে ফুল ট্যাঙ্ক করব আর তোমাদের কিছুক্ষণে দেখাবো যে ওনার কালেকশন। और एक से बढ़कर एक विंटेज कार और बाइकर कलेक्शन ये पेट्रोल पंप पे तुम्हारा देखते पाबे। सो बंधुरा मालबाजार पेड़िए एखन आमरा ढुके बोललाम चालसा और सामने एक चौमाथा पड़े ये जगहटाओ रास्ताटा एकटू तोमरा क्लियरलि बुझे नाओ। ये जे सामने देखते पाच्छ बादिके बोर्डे एखाने मेनशन कराई आछे जे डान दिके जे रास्ताटा चले जाच्छे ये रास्ताटा गोरुमारा होये चले जाबे लाटागुड़ी 20 किलोमीटर और सोजा रास्ताटा चले जाच्छे बीरपाड़ा आलिपुरदुआर होये गुवाहाटीर पथे। और ये चौमाथा थेके आमादेर निते होबे बादिक, बादिके एखान थेके मेटेलि होच्छे 8 किलोमीटर। मेटेलि होये आमरा चले जाबो सुन्तालीखोला। और जेहेतु आमरा शिलिगुड़ी थेके अनेकटा पथ चले एलाम सो एखानेई आमरा आमादेर ब्रेकफास्टेर जोन्नो हल्ट देव। देखी कोनो एकटा होटेल बा रेस्टुरेंटे हल्ट देव, आमरा ब्रेकफास्ट करी तारपरे आबार तोमादेर संगे जेते जेते कथा होबे। सो बंधुरा एखन आमरा आछि चालसाते और एखाने आजके आमरा आमादेर ब्रेकफास्टेर जोन्नो हल्ट दिलाम। सो एटा हलो डुआर सोनाली होटेल, एखानेई आमरा ब्रेकफास्टटा सारलाम। एकटा रोड साइड छोट्ट होटेल किन्तु चाटा व्यापक छिलो। सो पेट पूजा तो हलो, एरपर देखी मेटेलि पार करे एक छोट्ट एक हालका हवारो ब्रेक दीते होबे कारण अनेकटा पथ चले एलाम, एकटु सुसु ब्रेको दरकार पड़े। सो फार आमरा मेटली थेके जस्ट 5-6 किलोमीटर हार्डली एलाम और जस्ट लैंडस्केपटा देखो। रास्तार दुधारे विस्तीर्ण एलाका जुड़े रयेछे चा बागान। सो जेहेतु आमरा एकटा सुसु ब्रेको दरकार छिलो आमरा दाड़िये पड़लाम, एकटु फटोश्यूटो करे नि, एकटु हालका हये नि, तारपरे आबार आमरा एखन बेरिये पड़बो आमादेर गंतव्यस्थलेर उद्देश्ये। सो चलो आबार जेते जेते देखा होबे। भाई हलो हालका हलो ठीक आछे चल ताहले बेरोई जाई बोल। डुआर्से किन्तु ये चा बागानटा ना देख दूर दूर अब्दि, देख चा बागान ओफ जस्ट कोनो कथा होबे ना। जारा तोमरा आसते चाओ अवश्यई रास्ताय दाड़िये एकटु फटोश्यूट किन्तु अवश्यई करते पारो। सो बोल केमन लागछे? भालो जायगाटा भालो तो एरपर तो आरो बाकी आछे। सो चलो आमरा आमादेर काज शेष आबार आमरा बेरिये पड़ि आमादेर गंतव्यस्थलेर उद्देश्ये। सीधा। और ये जगह का नाम क्या है? ये सैमसिंग लोअर लाइन। अच्छा 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 ठीक है थैंक यू। सो बंधुरा सामसिंग लोअर लाइन जस्ट आमरा पार होलाम और एखाने देखते पेले जे एकटा तीन रास्तार एकटा मोड़ छिलो बादिके रास्ताटा ओटा जानि ना कोथाय चले जाच्छे। आमरा लोकालदेर थेके शुनलाम जे आमरा सोजा ए रास्ताटाई धरे जेते बोललो। सोजा रास्ता चले जाबे सामने एकटा चक पड़बे जार नाम हलो भानुचक। सो तोमरा माथाय राखबे जे सामसिंग लोअर लाइन थेके सोजा जे रास्ताटा बेरिये जाच्छे सेई रास्ता धरे भानुचकेर दिके जेते होबे। और सो फार मेटेलि थेके एई भानुचक अब्दि रास्ता किन्तु रोड कंडिशन इज नट गुड, एकटू काचा रास्ता पाबे किछुटा भांगा रास्ता पाबे और एखाने मेन जिनिस जेटा तोमरा स्पीड मेनटेन करते पारबे ना। सो सामने रयेछे भानुचक, सेखान थेके आबार एकटा चार रास्ता मोड़ पड़बे, सेखाने गिये आमरा शुने नेब जे आमादेर कोन दिकटा जेते होबे। सो फार एखाने तोमरा देखतेई पाच्छो जे सुनतालीखोला होच्छे 4.2 किलोमीटर और रॉकी आइलैंड 3.5 किलोमीटर और सामने जेई एकटा देखते पाच्छो एकटा लोकालिटी शुरू होच्छे एटाके बला हय भानुचक। और ये भानुचक थेके जे जस्ट जे डान दिके जे रास्ताटा घुरे जाच्छे एई डान दिके रास्ताटा जाबे लालिगुरास बोले एकटा नतून पिकनिक स्पट होयेछे। सो आमरा सुनतालीखोला और सामसिंग घुरे प्लस रॉकी आइलैंड ये तीनटा जगह आमरा घुरे जदि फेरार पथे समय पाई ताहले आमरा तोमादेरके लालिगुरासटाओ देखिए देबो। सो आपातत आमरा चलो एगिए चली सुनतालीखोलार पथेई। सो एटा हलो सामसिंग अपार लाइन। आमरा किछुक्षण आगे जेखाने हल दिएछिलाम जेखाने आमरा लोकालदेर थेके जिज्ञासा करलाम जे तीन रास्ता मोड़ सेटा छिलो सामसिंग लोअर लाइन और भानुचक पेरिये एखन आमरा एटा होच्छे सामसिंग अपार लाइन। एखाने देखतेई पाच्छो रास्तार दुधारे प्रचुर होमस्टे आछे। आमी कयेकटा होमस्टे फोन नम्बर आमार भिडियो डेसक्रिप्शन सेक्शने दिए देबो। तोमरा जोदि एखानेओ थाकते चाओ होमस्टेते फोन करे कत चार्जेस लागबे जेने तोमरा बुकिंग करेओ चले आसते पारबे। सो सामसिंग अपार लाइन पेड़िए तारपर देखबे एक तीन रास्तार मोड़ पड़े आबार और ये देखते ही पाच्छो तोमरा डान दिके सुनतालीखोला होच्छे 3.5 किलोमीटर और रॉकी आइलैंड 2 किलोमीटर। सो एखान थेके तोमादेर डान दिक निते होबे। अंकल रॉकी आइलैंड इधर ऊपर, थैंक यू। सो आमरा फाइनली पहुँचालाम आमादेर प्रथम गंतव्यस्थल और सेटा हलो रॉकी आइलैंड और सेई पुरानो ऐतिह्यबाही रॉकी आइलैंडेर लोहार ब्रिज सेटा क्रस करछि। क्रस करे एखन आमरा नीचे नामबो। और ये जैगाटाके रॉकी आइलैंड केन बला हय कारण हलो आमी जस्ट किछुक्षणेई नीचे नामबो तखन तोमरा देखते पाबे जे रिवर बेडे बड़ो बड़ो पाथर आछे जाके इंग्रेजीते कि बोले रक और सेइजन्यई एई जैगाटाके बला हय रॉकी आइलैंड। सो एखन आमरा सेई लोहार ब्रिज पार करछि। बेश एकटा ब्यापार माने एकटा फिल चले आसलो। सो चलो एखन तोमादेर आमि नीचे रिवर बेडेर दिके निये जाई। साबधाने हाँ गोपुरोटा ना दे लागबे साबधाने आय हाँ बड़ो बड़ो पाथर किन्तु। जस्ट गाइज हैव ए लुक चारिदिके पाथर। सैमसिंगेर रॉकी आइलैंडेर रिवर बेडे और जस्ट जले नामছি। जस्ट पिछने भिউটা देखो, जस्ट हैव अ लुक। जस्ट असाधारण जैगा और जल प्रचंड ठंडा। जस्ट हैव अ लुक, दिस इज रॉकी आइलैंड। और चलो एरपरे आमरा आमादेर परवर्ती गंतव्यस्थलेर उद्देश्ये बेरिये पड़ी। बंधुरा एटा हलो सुनतालीखोला और रॉकी आइलैंड थेके हार्डलि 15 मिनट लागलो। रोड कंडिशन एखोन अब्दि ठीकठाक आछे। और जा सुनलाम जे सुनतालीखोलातेई बाइक रेखे आमादेर 1 किलोमीटर एक ट्रेक करते होबे। ट्रेक करे तारपरे आमरा जाबो सुनतालीखोला हैंगिंग ब्रिज। वो हैंगिंग ब्रिज कितना दूर है? 1 किलोमीटर ट्रैक, मतलब पैदल जाना पड़ेगा। ओके, गाड़ी कहाँ पे लगाए? एक ही बाइक है क्या? एक ही बाइक है। ले जाए, ठीक है, थैंक यू। सो बंधुरा शुरू हलो 1 किलोमीटर। एटा एक्चुअली ट्रेकर रास्ता। सो BMW जेहेतु एडवेंचर सीरीज, चलो ना जावा जाक ना, अफ रोडर जोन्नोई तो गाड़ीटा तैरी होयेछे। आर माने भाग्यटा देखो, आमी BMW नेওয়ার পরে যেখানে যেখানে গিয়েছি, চটকপুর গেলাম বিভৎস অফরোড, কোলাখাম গেলাম সেম অফরোড, আজ সুনতালিখোলা হ্যাঙ্গিং ব্রিজ যাচ্ছি আবার শুরু হলো সেই অফরোড। सो बंधुरा कालिम्पोंग फरेस्ट कर्पोरेशन डिविशनेर एखाने एकटा फरेस्टेर चेक पॉइंट आछे। एखान थेके पर हेड 20 टाका करे टिकिट काटते होबे। तारपर सामने आर 5-6 मिनिटेर हाँटा पथ, এই সামনে রয়েছে সেই সুনতালিখোলার হ্যাঙ্গিং ব্রিজটা, সেদিকে আমরা এগিয়ে পড়ব। আর এখানে চেক পয়েন্ট, এখান থেকে তোমাদের পার হেড 20 টাকা করে টিকিট কাটতে হবে। ও ফাইনালি পৌঁছালাম। এটা রাস্তা হলো, ছি 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 ছি, এর চেয়ে বেটার বাইক রেখে ট্রেক করে এলে ভালো হতো। সো আমরা ফাইনালি পৌঁছালাম সুনতালিখোলা হ্যাঙ্গিং ব্রিজ। ডান হাতে দেখতেই পাচ্ছ। আর এখানে কি লেখা? 5 পার্সন অ্যাট এ টাইম। ওকে, এই ব্রিজে একসাথে 5 জনের বেশি ওঠাটা অ্যালাউড না। সো গাইজ, আমরা এই মুহূর্তে এখানেও নদীর রিভার বেডে নেমে পড়লাম, কারণ কিছু পারফেক্ট শটের জন্য একটু অন্য দিকে যেতেই হয়। আর এখান থেকে জাস্ট পেছনের হ্যাঙ্গিং ব্রিজের জাস্ট ভিউটা দেখো। দিস ইজ দ্য হ্যাঙ্গিং ব্রিজ। আর এই হ্যাঙ্গিং ব্রিজটা ক্রস করেই এখন আমরা সামনের দিকে শুনলাম একটা কটেজ আছে, সেই কটেজের দিকেই যাব। আর এই কটেজটা আমার যদ্দূর আমি মানে গুগল রিসার্চ করে এসেছি, এই কটেজে তোমাদেরকে অনলাইন বুকিং করে আসতে হবে। সো চলো কটেজের পথেই যাই, আর তোমাদের সব ডিটেলস ওখানে গিয়ে প্রোভাইড করব। সো গাইজ, আমরা রকি আইল্যান্ডের পরে এখন আমরা এলাম সুনতালিখোলা হ্যাঙ্গিং ব্রিজ। আর একটু আগে তোমাদের জানলাম যে পার হেড 20 টাকা করে এন্ট্রি টিকিট কাটতে হবে। সো এখন আমরা হ্যাঙ্গিং ব্রিজের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি। ভাই ব্রিজটা নড়ছে ভাই, ব্যাপক ব্যাপক। আর এখানে হচ্ছে 5 পার্সন অ্যাট এ টাইম মেনশন করা আছে, যেহেতু ঝুলন্ত ব্রিজ 5 জনের বেশি একসাথে কিন্তু এই ব্রিজে ওঠা নিষেধ আছে, কারণ যেহেতু ঝুলন্ত ভেঙে পড়তে পারে। আরে কি নড়ছে রে ভাই, ব্যাপক নড়ছে কিন্তু। আরে এ তো দোলনা রে ভাই, দোলনা ইসরায়েলি করলে দোলবে, সিরিয়াসলি ব্যাপক ব্যাপক। জাস্ট হ্যাভ এ লুক। যারা এতক্ষণ অবধি দেখছো, সত্যি কি অফবিট সিরিজের আজ হলো সেকেন্ড এপিসোড। আর সেকেন্ড এপিসোডে আমরা রকি আইল্যান্ড, সামসিং হ্যাঙ্গিং ব্রিজ আর সুনতালিখোলা হ্যাঙ্গিং ব্রিজ, এই 3টা কভার করতে চলেছি। তো অলরেডি আমরা রকি আইল্যান্ড ঘুরে এলাম, এখন আমরা আছি সুনতালিখোলা, সুনতালিখোলা হ্যাঙ্গিং ব্রিজ ক্রস করলাম। আর এখন সামনের দিকে যাচ্ছি, আই থিঙ্ক কোনো একটা রিসর্ট আছে। সো তোমরা যারা আসতে চাও, যারা থাকতে ইচ্ছুক, কোথায় থাকবে, কেমন খাওয়া দাওয়া, ও আচ্ছা এটা একটা কটেজ আছে। সো চলো সব ডেসক্রিপশন দিয়ে দেবো, কারণ আমরা আজকে থাকবো না, আমরা এখানে জাস্ট ঘুরে আমরা আবার আমাদের শিলিগুড়ির পথে ব্যাক করে যাব। তো তোমরা যারা শিলিগুড়ির বাইরে থেকে আসছো, যদি তোমরা থাকার উদ্দেশ্য করে আসো তাহলে এই কটা লোকেশন কিন্তু ব্যাপক। সুন্তালিখোলাতে তোমরা স্টে করতে পারো, স্টে করে সুন্তালিখোলা হ্যাঙ্গিং ব্রিজ আছে, পাশে রকি আইল্যান্ড আছে, সেগুলো এক্সপ্লোর করতে পারো। আর জাস্ট দিস ইজ দ্য রিসর্ট, এটা কি, এটা সুন্তালিখোলা ইকো কটেজ। তো এই মুহূর্তে আমরা আছি সুন্তালিখোলা নেচার রিসোর্টে, আর আমাদের সাথে আছে এই रिसोर्टेरी गणेश दा, गणेश भुजल दा। सो भैया, अगर आपके रिसोर्ट में आना हो तो कैसे, मतलब बुकिंग कैसे करना पड़ेगा, चार्जेस कितना है, थोड़ा डिटेल्स अगर मेरे व्यूअर्स के लिए प्रोवाइड करते तो अच्छा होता है। तो यहाँ पे सुन्तालिखोला का बुकिंग करने के लिए ऑनलाइन बुक करना पड़ेगा। ऑनलाइन का सिस्टम है WBFDC, वो साइट में जाके ओके बुक कर सकते हो। और चार्जेस कितना है? चार्जेस है 2016 रुपये GST लेके, 2016 रुपया पर हेड, पर हेड या पर हेड नहीं, पर कॉटेज, पर कॉटेज। और वहाँ पे कितना लोग रह सकते हैं? 3 आदमी। 3 आदमी। और उसमें क्या फूडिंग इंक्लूड है या फूडिंग एक्स्ट्रा? फूडिंग एक्स्ट्रा, शुद्ध लॉजिंग। हाँ, लॉजिंग के लिए ना। और फूडिंग के लिए कितना चार्जेस है? फूडिंग के लिए पर हेड मोटा मोटी कितना, 550-600 रुपये। 550-600, मतलब ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ? बेटी टू डिनर, बेटी टू डिनर, ओके। और थोड़ा चलिए बाहर, बाहर का भी व्यू थोड़ा दिखा देते हैं। सो তোমরা যারা আসতে চাও, আমি ভিডিও ডেসক্রিপশনে আর আমার স্ক্রিনেও এই যে रिसोर्ट আছে এটার আমি সব ডিটেल्स प्रोवाइड করে দেবো। आपका फ़ोन नंबर भी दे दीजिएगा, ठीक है। वेबसाइट में भी तो बुकिंग हो सकता है ना? वेबसाइटও তোমরা বুকিং করতে পারো। আর फोन में बुकिंग होता है? फोन में नहीं, सिर्फ वेबसाइट में ऑनलाइन बुकिंग होगा। ओके, तो তোমরা যারা আসতে চাও ऑनलाइन बुकिंग হবে। আর চলো একবার একটা রাউন্ড দিয়ে আসি, ভিউটা কেমন তোমাদের দেখাই। এত সুন্দর প্রকৃতির মাঝে চা খাওয়ার মজাটাই আলাদা। জাস্ট পিছনে ভিউটা দেখো, জাস্ট অমায়িক ভিউ। তোমরা যারা এই কটেজে আসতে চাও, আমি ভিডিও ডেসক্রিপশনে সব ডিটেলস প্রোভাইড করে দেবো, তোমরা অনলাইন বুকিং করে চলে আসতে পারো। আমার সঙ্গে কলকাতার সোনারপুর থেকে ব্যানার্জি পরিবারের আলাপ হলো, আর দিস ইজ ব্যানার্জি ফ্যামিলি। সো আপনারা কি কি জায়গা এক্সপ্লোর করলেন? এইবারে উত্তরবঙ্গে অ্যাকচুয়ালি আমার বহুবার আসা, এটা ডুয়ার্সের জন্য 3rd টাইম, বাট এইবার আমরা যে মেইনলি রয়েছি লাটাগুড়ি আর তার সঙ্গে সুন্তালিখোলার এই জায়গাটা। সো তার সঙ্গে কালকে ঝালংবিন্দুর প্ল্যান রয়েছে, বাট এটা আমার এক ফ্রেন্ড সাজেস্ট করেছিল যে সুন্তালিখোলার কটেজটা ইটস অ্যান অসাম প্লেস। সো আজকের এসে দেখলাম সত্যি সার্থক হলো। ডুয়ার্সে আমি মূর্তিতেও থেকেছি, বাট দিস ইজ অ্যান অসাম প্লেস। আমি সাজেস্ট করবো লোকজনকে এসে থাকার জন্য। দ্য অ্যাম্বিয়েন্স, পুরো ব্যাপারটা দেখুন, টোটালটা যখন ঘুরবেন, ভিডিওটা দেখবেন, সত্যি আপনাদের ভালো লাগবে। ভীষণ থ্রিলিং একটা, এখানে বসে চা খেতেও আপনার ভালো লাগবে, কারণ চারপাশে এত সুন্দর পরিবেশ, পুরো ঘন জঙ্গলের মধ্যে। যে কোনো সময় একটা মনে হবে যে এই বুঝি কিছু একটা এলো জন্তু দেখতে পেলাম, বাট সেফ থাকবেন, সেফলি, কিন্তু ওই যে ফিলিংসটা, এটা একটা অসাম আপনাদের দেবে। আর নেচারকে পুরো এনজয় করার জন্য একদম দারুণ জায়গা। তো সেরেনিটি অ্যাট ইটস বেস্ট জায়গাটা আমি বলবো, ভীষণ সুন্দর, অবশ্যই একটা দিন এসে থেকে যেতে পারবেন। তো আমরা কিন্তু ভীষণ মজা করছি, সবাই দেখুন, এনজয় করুন, দারুণ। সবাই আমরা পুরো ব্যানার্জি পরিবার রয়েছি, তো দারুণ কিন্তু সেখানটাতে মজা করেছি সবাই। নাও তোমরা বলো, খুব মজা, তোমার কেমন লাগছে? খুব সুন্দর লাগছে, দারুণ, খুব ভালো লাগছে, দারুণ লাগছে, ভীষণ ভালো জায়গা, আসতে পারেন, ভীষণই ভালো জায়গা, এটা খুবই ভালো লাগছে। ওকে, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, টাটা। সো কেমন লাগলো সেকেন্ড এপিসোড? যারা ভিডিওটি এখনও দেখছো অবশ্যই একটা থামস আপ, ভিডিওটিকে লাইক করতে পারো, নিজের বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে অবশ্যই শেয়ার করতে ভুলবে না। আর নিজের মতামত, নিচেই কমেন্ট সেকশন আছে, কমেন্ট সেকশনে নিজের মতামত জানাতে অবশ্যই ভুলবে না। তবে হ্যাঁ, আমার একটা কথা বলার আছে, সেটা হলো এত সুন্দর প্রকৃতি, আমরা কি পারি না সেটাকে পরিষ্কার রাখতে? আমরা কি পারি না যে বিয়ারের বোতলগুলো আর চিপসের প্যাকেটগুলো তুলে কোথাও ডাস্টবিনে ফেলতে। প্রকৃতি এত সুন্দর সুন্দর ল্যান্ডস্কেপ আমাদের দিয়েছে এনজয় করার জন্য, আর আমরা প্রকৃতিকে কি দিচ্ছি? বিয়ারের বোতল, চিপসের প্যাকেট আর সিগারেটের প্যাকেট। সো আমার একটাই রিকোয়েস্ট যে কাইন্ডলি তোমরা খেতেই পারো, অন্তত খাওয়ার পরে সেই প্যাকেটগুলো বা বোতলগুলো একটা ব্যাগে ভরে রাখো, সাইডে রেখে দাও, বা ডাস্টবিন থাকলে ডাস্টবিনে রাখতে অবশ্যই ভুলবে না।